चलिए जी, इट्स पेपर टू राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? इट्स अक्टूबर नवंबर 2020. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, ठीक है? फॉर एग्जांपल, फ्यू स्टूडेंट्स दे हैव मॉक एग्जामिनेशन टुमारो. तो अगर जिसका मॉक एग्जामिनेशन है, यू हैव टू स्कोर अबव 80 स्कोर करने की कोशिश करा करें पेपर में, ताकि मॉक्स में आप 80 से ऊपर जाएंगे तो सीआईज में इंशाल्लाह 90 से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन की तरफ चलें तो 100 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर 30 मिनट्स होते हैं इसमें. अब कुछ क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा, अच्छा इसमें, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दैट इट्स एन एवरीडे मैथ्स क्वेश्चन. ये एक एवरीडे मैथ्स क्वेश्चन है, ठीक है? एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है? एवरीडे मैथमेटिक्स, इट हैज नो टिपिकल फॉर्मूला. बस इसमें क्या है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आई अटेम्प्ट वन और टू पार्ट्स में इसके अटेम्प्ट करता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा, आप लोग खुद अटेम्प्ट करें. कहता है कैश प्राइस ऑफ द कार इज 13,000. मार्था पेज इन इंस्टॉलमेंट फॉर दिस कार. मार्था पेज अ डिपॉजिट ऑफ 15% ऑफ द कैश प्राइस. शी देन पेज 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ $500. कैलकुलेट अमाउंट मार्था पेज फॉर द कार. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू नो दिस ऑलरेडी दैट द कैलकुलेटर इज अलाउड. कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर जो है वो बिल्कुल अलाउड होता है. तो इन क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउड है, तो मतलब कैश प्राइस ऑफ द कार जो है ये हो गई, ठीक है? उसने डिपॉजिट पे किया है, तो डिपॉजिट इज हाउ मच? डिपॉजिट इज 15% ऑफ द कैश प्राइस. कैश प्राइस इज 13,000, ठीक है? आपको यहाँ पे पेपर में करने की जरूरत नहीं है, 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000. आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप 15% लिखो. 15%, 15% मल्टीप्लाई बाय 13,000. तो ये इसने डिपॉजिट पे करना है, ठीक है? दैट इज 1950, ठीक है? ये पे करेगी. फिर उसके बाद उसको ऑप्शन है कि 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे. तो इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनती हैं टोटल, ये इस तरह साफ साफ लिखा करें वहाँ पे. 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ $500. सो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 500. तो ये 24 इंस्टॉलमेंट्स बन गई 12,000 की, ठीक है? ओके, नाउ दे से दैट कैलकुलेट द टोटल अमाउंट मार्था पेज. सो यू हैव टू ऐड दीज टू. सो इट्स 13,950 शी हैज टू पे, ठीक है? यूजिंग इस कॉन्सेप्ट को हायर परचेज कहते हैं, ठीक है? जब आप कोई चीज जो है ना इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदते हैं, तो हायर परचेज प्राइस, तो हायर परचेज प्राइस हो गई इसकी. ओके, द प्राइस ऑफ द फोन इज रिड्यूस बाय 12% इन अ सेल, एंड द सेल प्राइस ऑफ द फोन इज 286. कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द फोन बिफोर द सेल. तो ओरिजिनल इज ऑलवेज, ओरिजिनल प्राइस इज ऑलवेज 100%. वी नो दिस, इट इज ऑलवेज 100%. एंड द सेल प्राइस इट इज 12% रिड्यूस. सो इट मीन्स दैट इट इज 88%. सेल प्राइस इज ऑलरेडी गिवन टू अस. सेल प्राइस हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, तो सेल प्राइस की जगह पे हम लोग लिख देंगे 286. एंड देन यू हैव टू डू जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपने ओरिजिनल की वैल्यू निकाल लेनी है. आई होप इट्स क्लियर, एंड बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर टू में देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग के होते हैं एवरीडे मैथ्स, ठीक है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ताकि पूरा पूरा पेपर जो है खत्म हो. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा और ओरिजिनल की वैल्यू निकाल दीजिएगा. ओरिजिनल की वैल्यू 286 से ज्यादा होनी चाहिए. दैट्स वेरी अ कॉमन सेंस कि दिस प्राइस विल बी ग्रेटर देन, दिस प्राइस विल बी ग्रेटर देन 286 से ज्यादा होगी प्राइस, ठीक है? ये कॉमन सेंस है. आपका आंसर अगर 286 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपको एरर कर रहे हैं, ठीक है? तीसरा, एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चंस होता है. ये मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है? एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड पाउंड गिवन है, फिर एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरो एंड पाउंड गिवन है. कैलकुलेट एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड यूरो. तो आपने 1-1 करके आपने इसको कंपेयर करके करना होता है, ठीक हो गया? तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन आपने पूरा कंप्लीट करना है. आप ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ डॉलर्स को कन्वर्ट कर लो, ठीक है, पाउंड्स में, फिर पाउंड से वो उनको यूरो में कन्वर्ट कर लो, फिर कन्वर्ट कर कन्वर्जन देख लो कि 1 डॉलर कितने के बराबर है, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? ओके, फिर आपके पास आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो इसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए, तो पेज को डिस्ट्रीब्यूट करें. सैमुअल इन्वेस्ट 1500 इन अकाउंट पेइंग 1.9% कंपाउंड इंटरेस्ट. नीना इन्वेस्ट 1500 अकाउंट पेइंग 1.9% पर सिंपल इंटरेस्ट. दो केसेस हैं, तो सैमुअल का मैं लिख दूंगा इधर, सैमुअल का केस इधर लिख देंगे, और नीना का केस जो है इधर नीचे लिख देंगे, ठीक है? ओके, सैमुअल इज इन्वेस्टिंग हाउ मच? ही इज इन्वेस्टिंग $1500. सो पी इज इक्वल टू 1500, ठीक है? रेट इज इक्वल टू 1.9%, ठीक है? नीना इज इन्वेस्टिंग $1500 अगेन, एंड द रेट इज ऑल्सो सेम 1.9% पर ईयर. दे ईच लीव द मनी इन द अकाउंट फॉर 5 ईयर्स. एट द एंड ऑफ 5 ईयर, हाउ मच मोर मनी डज सैमुअल हैव इन द अकाउंट देन नीना हैज इन हर्स?
सैमुअल का देखना है 5 ईयर्स, तो टाइम इज 5 ईयर्स, यहाँ पे भी टाइम जो है वो 5 ईयर्स है। ठीक है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r% होल पावर टी। प्रिंसिपल इज 1500, 1 + r% मीन्स 1.9%, पावर टी इज 5। तो किसी किस्म का आपको करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें अपनी वैल्यूज को पुट इन करना है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ओपन योर कैलकुलेटर। ठीक है, आपने वैल्यूज को पुट इन करना है, तो 1500, बेटा एक बच्चा जरा कैलकुलेशन कर लिया करे, ब्रैकेट 1 + 1.9%, ब्रैकेट क्लोज एंड द पावर इज 5, सो द आंसर इज $1648, $1648। ठीक है, 1648 आ रहा है आपके पास ये। ओके, तो नाउ 01 लिखते हैं, बहुत कम है, तो 0 सेंट्स क्या लिखूं मैं। तो नीना, नाउ नीना इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल इज 1500, रेट इज 1.9, टाइम इज 5 ईयर्स डिवाइड बाय 100, सो 0 0 कैंसिल, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1.9, 142.5. 1.9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो द आंसर इज 142.5। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में फाइनल अमाउंट के लिए हमें प्रिंसिपल के साथ ऐड करना होता है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज द आंसर, 1500 प्लस 142.5, सो द आंसर इज 1642.5। नाउ दे से दैट हाउ मच मोर मनी डज सैमुअल हैव, तो मोर के लिए हमें सैमुअल के पैसों में से इसको माइनस करना पड़ेगा, सो विच इज 1648 माइनस 1642.5, सो 1648 माइनस 1642.5। पेपर में टाइम अच्छा खासा होता है, $5.5 जो है वो इसके अकाउंट में ज्यादा होंगे। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में पेपर में बिल्कुल गलती नहीं करनी। ठीक है, आसान क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला आता हो, फॉर्मूले की गेम समझ नहीं है। जी बेटा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस केस में हमने सिंपल इंटरेस्ट के साथ इसको ऐड करना है? बेटा सिंपल इंटरेस्ट के साथ आप डेफिनेटली याद रखें, सिंपल इंटरेस्ट में फाइनल अमाउंट तब आती है जब हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, जी सर। सिंपल फाइनल अमाउंट आएगी, तो उन्होंने कहा ना कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स हाउ मच मोर मनी डज सैमुअल, तो सैमुअल के अकाउंट में भी डेफिनेटली इंटरेस्ट समेत ही पैसे मौजूद हैं, तो नीना के भी इंटरेस्ट समेत ही आपने करना है। ठीक है, ये 142.5 इज द ओनली इंटरेस्ट। ठीक है, जी सर। सो टेक्निकली वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 1, सो लेट्स प्रोसीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑफ स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाना है। A group of 80 students each completed a task and the table shows the time and minutes each took to complete the task. Frequency is given, continuous data hai aapke paas. To pehle aapko CF chahiye, to CF nikalne ke liye aapko pata hai ki aap, you have to write first one as it is. 10 plus 20 is 30, 30 plus 34 is 64, 64 plus 12 is 76. And 76 plus 4 is 80. Now how to plot, plotting कैसे करते हैं? मैं बार-बार बता चुका हूँ, 20 to 40, 40 के ऊपर you have to plot 10, 60 के ऊपर 30, 80 के ऊपर 64 and 100 के ऊपर 76 and 120 के ऊपर 80. Frequency sir, plot नहीं करनी, cumulative frequency. Sir, minus नहीं करेंगे sir, part D में sir, 168.01 minus 162.5. बेटा वही किया है ना हमने, minus किया तभी $5.5 आया था. Cumulative frequency लिख लें, 40 पे you have to plot 10, तो 40 पे you have to plot 10, that's the point. 60 पे you have to plot 20, बेटा किसका माइक ऑन है ऑफ कर दें, 80 पे it's 64, 80 पे it's 60 and 64, 100 पे it's 76, तो 100 पे it's 70, 76 एंड 120 पे इट्स 80, तो राइट एट द वेरी टॉप। ठीक है जी, अब याद रखिए मैं आपको पहले भी कहा है कि आपने जब भी ग्राफ बनाना है तो आपका ग्राफ 9 टू 10 की पोजीशन पे, 9 टू 12 की पोजीशन पे होना चाहिए ताकि आप अच्छी स्केचिंग कर सकें। सो जरा चेक करें, बिल्कुल स्टार्ट लेंगे जीरो से। ठीक है, ये स्मूथ कर्व होना चाहिए आपका। ठीक है, ये लाइन नहीं होती, ये ना हो कि आप लाइन लगाएं। ठीक है, पेंसिल से इसको ड्रॉ करना काफी इजी होता है एज कम्पेयर टू दिस आईपैड पेंसिल। ठीक है जी, आपने कर्व कर्व बना लिया। ठीक है, कोशिश करें इसमें स्मूथनेस को अचीव करें, स्मूथनेस जितनी अच्छी अचीव करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपके पेपर में आपके सामने आएंगे। नाउ दे से दैट फाइंड द मीडियन, वी नो दैट मीडियन इज 50% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दिस क्वेश्चन इज 80, सो दैट इज 40th वैल्यू। सो 40th वैल्यू को ग्राफ के साथ हिट करें, सो यू हैव टू हिट दिस 40th वैल्यू विद द ग्राफ। हिट किया, नाउ गो डाउन एंड चेक व्हाट्स द आंसर, इट्स
69 अकॉर्डिंग टू माई ग्राफ। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल होती है, तो अपर क्वार्टाइल ए माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल इज 75%, 75% ऑफ 80 विच इज 60th वैल्यू माइनस। लोअर क्वार्टाइल इज 25% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 20th वैल्यू। नाउ आपने पहले 20th और 60th को वहां पे चेक करना है कि 20th और 60th वैल्यू आपकी क्या आ रही है। तो 60th वैल्यू इज कि यू हैव टू जस्ट हिट द ग्राफ लाइक दैट, हिटिंग करनी है अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। सो हिटिंग के बाद आपने नीचे आके देख लिया तो आपका जो अपर क्वार्टाइल आ रहा है वो 78 आ रहा है माइनस। ओके लोअर क्वार्टाइल इज 20th वैल्यू, तो 20th वैल्यू को ग्राफ के साथ हिट करें ठीक है, एंड दैट इज 60। ये आपका लोअर क्वार्टाइल हो गया, ये आपका अपर क्वार्टाइल हो गया, ये मीडियन है। तो 60, तो 78 माइनस 60 इज 18। सो 18 इज योर इंटरक्वार्टाइल रेंज। दोज हु आर लेट ठीक है, यू हैव टू वॉच द वीडियो फॉर द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर टू व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नंबर टू से हम डन हो चुके हैं, आगे चलते हैं जी। जरा इसका पार्ट भी देख लें। हुरारा बेटा ये पेपर ओपन किया हुआ है, मैंने पेपर भिजवाया हुआ है ग्रुप में, वही एज इट इज पेपर ओपन कर लो ठीक है। ओके अ ग्रुप ऑफ 160 स्टूडेंट्स ईच कंप्लीटेड अ टास्क कैलकुलेट द मीन। सो मीन फार्मूला इज, फार्मूला ऑफ द मीन इज समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स, एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। ताहा और हुरैरा आप दोनों ये फोकस कीजिएगा, इसमें बाद में प्रोबेबिलिटी आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट इसमें वीक है, थोड़ा ठीक करूंगा। ओके तो एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करें 0, 130 इज 30, 2 into 50 इज 100, 3 into 32 इज 96 एंड 4 into 16 इज 64 एंड 5 8 इज 40। तो सबको इधर ऐड करना है 0 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 96 प्लस 64 प्लस 40 डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी इट इज 160 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल अच्छा करें ताकि आप आसानी से कर सकें। 30 प्लस 100 प्लस 96 प्लस 64 प्लस 40, मैंने जीरो नहीं लिखा, फर्क नहीं पड़ता इसलिए, ओप्स सॉरी मैंने डिनोमिनेटर लगाना भूल गया, विच इज 160। इट इज 33 बाई 16। अब एस एन डी दबा दें। मीन को करेंसी को कभी राउंड नहीं करते, तो मैं बार बार कहता हूँ, तो इसको राउंड करने की जरूरत नहीं है। हुरैरा बेटा सेकंड पार्ट देख लो। वन ऑफ द एडल्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एडल्ट मेड मोर देन 3 एरर्स। सो देयर आर टोटल 160 एरर्स एंड यू हैव टू पिक ओनली ओनली वन एडल्ट ठीक है। सो इट्स नॉट अ विदाउट रिप्लेसमेंट केस ठीक है। तो मोर देन 3 एरर्स दे आर द पीपल राइट। सो इट्स 16 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 इज 24। सो 24 डिवाइड बाय 160, रिकमेंडेड होता है कि आप इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लो, तो 3 आउट ऑफ 20 दैट्स रिकमेंडेड ठीक है। और अगर आप 24 आउट ऑफ 160 भी लेते तो यू विल गेट द फुल आंसर, क्योंकि यहां पे लिखा नहीं हुआ कि आप सिंपलीफाइड करो आंसर को ठीक है। ओके ताहा आई होप यू आर लिसनिंग मी। ओके टू ऑफ द एडल्ट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे ईच एग्जैक्टली मेड वन एरर। सो वन एरर इज प्रोबेबिलिटी number of people making one error is 30, we can see that. So the first one would be 30 out of 160 and the second one would be 29 out of 159. Is this clear, Taha? Yes, sir. Because the first one is already out. ठीक है, देयर इज नो सेकेंड पॉसिबिलिटी बिकॉज दे बोथ एग्जैक्टली मेड ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई टू का केस नहीं है ठीक है। बेटा टू नहीं, क्योंकि दोनों ने एग्जैक्टली वन किया ना ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 870 एंड 160 आगे एक केस आएगा, मैं वो भी करा दूंगा। 160 मल्टीप्लाई बाय 159 ठीक है, तो 25440। अगर आपने एज इट इज भी आंसर छोड़ दिया नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करा करें कि इसको आप सिंपलीफाई कर लें डिवाइड बाय आंसर। तो ये सिंपलीफाइड आंसर आ गया दैट इट इज 29 डिवाइड बाय 848, दैट इज योर सिंपलीफाइड आंसर फॉर द 2 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पेपर 2 में हमेशा कंबाइन आपको नजर आएगी। हुरैरा कैन यू गेट मी? यस सर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज टेबल। पेपर साथ ही ओपन करो, टेबल कंप्लीट कर लो। टेबल आई थिंक मैंने शायद ये कंप्लीट कराया भी हो। सो टेबल कंप्लीट करने का तरीका कैलकुलेटर में भी मौजूद है, मैंने सिखाया था।
प्रेस द मोड बटन, मोड बटन दबा के आप लोगों ने पेपर में अपने कैलकुलेटर में देखें, आपके पास 7 पे टेबल लिखा होता है, मेरे पास 9 पर है। ठीक है, 9 पे मैंने 9 का बटन दबाया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मेरी कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ चुका है। अब मैं कैलकुलेटर में ये फंक्शन डालूंगा, तो पहले मैं लिखूंगा फ्रैक्शन, फिर दबाऊंगा अल्फा एंड ब्रैकेट, तो एक्स आ गया मेरे पास, देखें स्क्रीन पर, डिवाइड बाय 4 प्लस 2 फ्रैक्शन अल्फा एंड ब्रैकेट बटन एक्स। ये फंक्शन मैंने कैलकुलेटर में पुट इन कर दिया है, इक्वल दबा दें, दूसरा फंक्शन है ही नहीं कैलकुलेटर में। टेबल स्टार्ट हो रहा है 1 से, मैं 1 से स्टार्ट करूँ क्योंकि 0.5 ऑलरेडी कंप्लीट है और मुझे चाहिए 7 की वैल्यू, तो आई एंड द टेबल एट 7, मैं 7 पे टेबल को एंड कर दूंगा। ठीक है, और स्टेप 1 लेता हूँ क्योंकि बिकॉज देर इज 1 कम्प्लीट जम्प, तो इक्वल दबा देते हैं। चलें जी, देखिए 1 पे ठीक है, 2.25 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम लोग जरा नीचे देख लेते हैं कि 7 पे क्या आंसर आ रहा है। इट्स 7 पे इट्स 2.03, सो इट्स 2.03 है, तो मैं 04 ले दूंगा। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर के, 1 मार्क हो गया, टेबल कंप्लीट हो गया हमारा। अब करना है इस ग्राफ को प्लॉट, तो 0.5 पे इट्स 4.13, तो 0.5 इज दिस पॉइंट, तो 4.13, 4.13 इज प्रोबेबली हियर। ओके, 1 पे 1.25, 1 पे इट्स 2.2, 2.25, ओके, 1.5 पे इट्स 1.71, तो 1.5 पे इट्स 1.56771 वुड बी हियर। 2 पे इट्स 1.5, तो 2 पे इट्स 1.5 इज राइट हियर। 3 पे इट्स 1.42, 3 पे इट्स 1.4 एंड 1.42 प्रोबेबली हियर। 4 पे इट्स 1.5, तो 4 पे इट्स 1.5 राइट हियर। देखें सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ एक ग्राफ की शेप बनेगी। 5 पे इट्स 1.65, तो 1.5, 1.6, 1.65। 6 पे इट्स 1.83, तो 6 पे 1.8 एंड 1.83 प्रोबेबली हियर। एंड 7 पे इट्स 2.04, तो 7 पे 2.04, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर लगा दें बस। ठीक है, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी हम इसमें मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट्स बहुत छोटे हैं। ठीक है, नाउ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपका ग्राफ जो है वो 9 to 12 की पोजीशन पे होना चाहिए, तो आप लोगों ने पेज उल्टा कर लेना है इसको प्लॉट करने के लिए। ठीक है, मैं आईपैड को उल्टा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, स्मूथनेस मेंटेन करनी अच्छा हो रहा है, वरना रिजल्ट्स जो है ना थोड़े बहुत खराब हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करा करें वन गो में ही बनाया करें, वन गो में ज्यादा अच्छा बनता है ग्राफ। 3 मार्क्स के लिए आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। कहता है बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमें ग्रेडियंट प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। एक्स इज इक्वल टू 1 इज दिस पॉइंट, तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने का तरीका यह है कि रूलर के जरिए आपने एक्स इज इक्वल टू 1 को पहले ग्राफ के ऊपर पॉइंट आउट कर लें, दैट दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसके साथ टेंजेंट लाइन लगानी है लाइक दैट, तो टेंजेंट लाइन आप लगा लें ऐसे, ये वो लाइन है जो कि टेंजेंट है जो कि एक्स इज इक्वल टू 1 को टच कर रही है खाली। आई होप इट्स क्लियर। हुरेरा, इफ यू रिमेम्बर माय क्लासेस, मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव, यस और नो? यस और नो, ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव। ओके, सो नाउ ग्रेडियंट होता है राइज डिवाइड बाय रन, तो राइज इज दैट मच, ये हमारा राइज है, so it is 4.3, so that is rise is 4.3 and the run is this is run, so which is 2, so 4.3 divided by 2 is answer minus me likhna, so 4.3 divided by 2 kya tha beta, 4.3 divided by 2 it is 2.15, it is 2.15, theek hai beta, इट्स 2.15, तो ये हमारा हो गया पार्ट जो जिसके लिए हमने हमसे मांग रहा था। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड, देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है। एग्जामिनर हमें नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ, तो मुझे बात बताएं बेटा, ताहा ताहा, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ, टू ड्रॉ द ग्राफ वी नीड अ टेबल, हमें टेबल चाहिए होता है, हम टेबल के लिए, टेबल के बगैर हम ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट इट्स अ लाइन, हमारे पास लाइन है, ये लाइन है बिकॉज इट्स अ लीनियर लीनियर इक्वेशन है, एक्स की पावर वाई की पावर 1 है, राइट हो रहा है, तो इसका मतलब है वी नीड 2 पॉइंट्स टू प्लॉट द ग्राफ एक्स एंड दैट इज वाई। जरा एक्स को 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y + 0 = 6, 2y = 6, सो y = 3।
एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू पुट कर लेते हैं, आपकी मर्जी, टू पुट कर लो। तो दूसरा पॉइंट पुटिंग हो गया, टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, टू वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू, टू वाई इज इक्वल टू फोर डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू, तो वाई इज इक्वल टू टू। तो टू टू हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं, जीरो थ्री एंड टू टू। अभी जीरो थ्री एंड टू टू मैं वहां पे प्लॉट करूंगा ग्राफ में, ठीक है, पे अटेंशन। एक पॉइंट था जीरो थ्री, एक पॉइंट था जीरो थ्री, तो जीरो एंड थ्री इज दिस पॉइंट, एंड एक पॉइंट था टू टू, तो एक पॉइंट है टू एंड दैट वन इज टू इज वेल, ठीक है जी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है रूलर के जरिए, मैंने फिर कलर चेंज करना है ताकि सब चीजें मिक्स ना हो, ठीक है। तो टू टू को हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये ग्राफ होगा, ये वो ग्राफ है जो कि वहां पे वो हमें कह रहा था कि ड्रॉ करो। सो दैट्स द नेम ऑफ दिस ग्राफ। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सर यस और नो? तो जब जैसे ही आपने ये ग्राफ बना लिया तो बेटा आपको यहाँ पर टू मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ ये कह रहा है राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ एंड द फंक्शन। ग्राफ और फंक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां के एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो जरा गौर करें, हम वहां पर जाएंगे वापस, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी, एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये आ रहा है, ग्रीन लाइन और हमारी रेड लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट है, एक ग्रीन और रेड यहाँ पे इंटरसेक्ट है। एक पॉइंट है ताहा 0.8 और दूसरा पॉइंट है 3। यस और नो? यस सर सो वन पॉइंट इज 0.8 एंड अनदर पॉइंट इज 3 फॉर 2 मार्क्स। ऑल राइट, यस सर होरेरा बेटा ये कहता है दीज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक्स कोऑर्डिनेट अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है वी हैव टू राइट वाई इज इक्वल टू वाई, रिमेंबर दैट। सर ओके, वन वाई इज द ओरिजिनल फंक्शन, एज वी नो दैट दिस इज ओरिजिनल फंक्शन, वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 2 बाई एक्स। बट इन अदर वाई इज नॉट येट डन, तो हमें इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट मेकिंग करनी पड़ेगी। तो इट वुड बी समथिंग लाइक दैट 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सिक्स, सो डिवाइड बाई टू ऑन बोथ साइड्स। नाउ द वाई इज सब्जेक्ट। ओके ठीक है, अब हमारे पास जो वाई है वो सब्जेक्ट है, तो वाई इज इक्वल टू वाई पुटिंग करनी है हम लोगों ने। तो वाई इज इक्वल टू वाई पुटिंग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए अलजबरा का ग्रैब। तो वाई इज इक्वल टू वाई, एक वाई हमारे पास बराबर है फंक्शन के और एक वाई था हमारे पास लाइन, माइनस एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू। राइट साइड पे फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना बहुत जरूरी है। जरा इधर गौर करें ताकि थोड़ा सा ये ऐड हो जाए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना राइट फोर विद दैट एरिया एंड एक्स विद दैट एरिया, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4x प्लस 8 डिवाइड बाई 4x। डिनोमिनेटर इज नाउ सेम, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू। नाउ अब ये नहीं है, यहाँ पे हमेशा याद रखें, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एरर है, यहाँ पे बच्चे कटिंग करना शुरू कर देते हैं। जरा ये देखें बेटा, यहाँ पे ये नहीं कर सकते हम लोग टू वन जर टू एंड टू थ्री जर सिक्स कर दें, ये गलत है। नीचे टू रेडी है कटिंग के लिए लेकिन सिक्स रेडी नहीं है, बिकॉज सिक्स एक्स के साथ एड हो रहा है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स और एक्स स्क्वायर को काट देते हैं, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। बिकॉज एक्स तो रेडी है कटने के लिए लेकिन एक्स स्क्वायर 8 के साथ ऐड हो रहा है, तो ये रेडी नहीं है, आप यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकते हैं। वी कैन डू ओनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4x टाइम्स माइनस एक्स प्लस 6। तो 2x स्क्वायर प्लस 8 टू आर 16 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 4s are 24x। सो नाउ इन दोनों को इस साइड पर ले आए, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x² माइनस 24x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा 6x² माइनस 24x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, इनमें इनमें टू कॉमन है, डू वी हैव टू कॉमन? यस सर देखें जी, टू कॉमन है हमारे पास, तो टू हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3 8s are 24, और सॉरी 12 है ना, 12 आएगा, सॉरी टू कॉमन लिया हुआ, 12x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड बाय टू ऑन बोथ साइड्स, सो दिस टू इज कैंसल्ड।
सो आई गॉट द इक्वेशन 3x² - 12x + 8 इज इक्वल टू जीरो एंड द एग्जामिनर इज आस्किंग मी हुरैरा दैट 3x² + ax + b, तो 3x² + ax + b इट इक्वल टू जीरो। बेटा ए की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है हुरैरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? -12 वेरी गुड, तो वैल्यू ऑफ ए इज -12 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज? 8। वेरी गुड, इट्स पॉजिटिव 8। ठीक है, सो दिस इज फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए अलजेब्रा जो है आपको ये हमेशा याद रखें, मोस्ट टिपिकल केस है और ये ए स्टार पार्ट होता है। ठीक है, ये हर बच्चा इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो आपने याद रखना है, वो खुद ही कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये ग्राफ और लाइन यहाँ पर बराबर होगी, तो वाई इज इक्वल टू वाई पुट करके ही हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, सो लेट्स बिगिन। ओके, मेंसुरेशन आ गई, मेंसुरेशन को थोड़ी देर बाद करते हैं, देखते हैं आगे क्या है और आसान आसान चीजें। ये देख लें बेटा, सिंप्लीफिकेशन देख लें पहले। सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लीकेशन में, तो इनको करेंगे हम लोग फ्लिप। ठीक है, 3t² अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, लेकिन अब जरा ये चेक करना है कि ऊपर कुछ ऐड तो नहीं हो रहा, ऊपर कुछ ऐड नहीं हो रहा, यू कैन सी दैट ऊपर सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इस केस में कटिंग कर सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ऊपर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, हम कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट कैंसिल t² विद द t², ये कट गया। हो रहा, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, एग्री? सो 2v³ × v² इज लेफ्ट इन द न्यूमिरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर ओनली 5 इज लेफ्ट, सो इट वुड बी 2v5/5, यस और नो हुरैरा? सो दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर इज, 2v5/5। नाउ सिंप्लीफिकेशन, ये केस हमेशा पेपर में होता है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपके पास न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर है, तो आप न्यूमिरेटर को पहले इधर लिख लो x² - 16 और डिनोमिनेटर को इधर लिख लो, आपको इन दोनों को फैक्टराइज करना है तभी ये सिंप्लीफाई होंगे। ये आइडेंटिटी है तो ये हो जाएगा x² - 4² विच इज इक्वल टू x+4 एंड x-4। यहाँ पर होगा मिड टर्म स्प्लिट, और मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, 8 3s are 24, 24 के फैक्टर्स लिखें, 1 24, 2 12, 3 8, 4 6। ठीक है, हो गया फैक्टर। नाउ 4 + 6 इज द फैक्टर विच आई नीड बिकॉज आई नीड द टोटल एज 10। ठीक है, बट देर इज वन प्रॉब्लम, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 4 + 6 10 तो आता है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास -24 नहीं आएगा, सो आई टेक 2 एंड 12। ठीक है, सो मैं 2 एंड 12 ले लूंगा, सो 3x² - 8। ओके, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे -24 आएगा ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, दोनों फैक्टर्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगा लें, -12x। आपको यहाँ पे प्लस चाहिए तो आप बड़े वाले को प्लस कर दो, कॉमन निकाल लो, एक्स कॉमन हो गया अंदर आ गया 3x-2, यहाँ पे आपके पास +4 कॉमन हो गया तो अंदर आएगा 3x-2, सो 3x-2 इज कॉमन एंड x+4 इज द लेफ्ट ओवर। सो नाउ क्वेश्चन जो था न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर का था, तो न्यूमिरेटर को जब हमने किया है तो वी गॉट x+4, x-4, दिस इज 3x-2 एंड दिस इज x+4। नाउ हमजा, यू कैन सी दैट के ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो मैं इन दोनों को काट सकता हूँ। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज x-4/3x-2, दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो ये पेपर की गो एरियाज हैं जहां पे पढ़ना नहीं पड़ता, जस्ट सिंपली आप लोग उसको अटेम्प्ट करो। देख लें बेटा, क्वेश्चन 6, फंक्शन पे एफ ऑफ -5 का मतलब है, कैलकुलेटर अलाउड है, तो मतलब कि एफ के फंक्शन में -5 पुट करो, बस ये आसान क्वेश्चन है, इसको जरा जल्दी से देख लें। तो एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे -5 पुट करना है, 2 × -(-5), ये ब्रैकेट का ख्याल रखना है। 4 -(+), तो 2 + 5 इज 7, तो 7 4s are 28, दैट इज द आंसर। कहता है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, इनइक्वालिटी है, तो मतलब कि 4 × 2 - x इज ग्रेटर देन 3, तो मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, 4 2s are 8 - 4x इज ग्रेटर देन 3, एग्री? अब -4x को यहाँ पे ना छोड़ें,
ठीक है, माइनस फोर एक्स को आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना, माइनस फोर एक्स को आप वहां पे ले जाएं और थ्री को आप यहाँ पे ले, ताकि ये एक्स पॉजिटिव हो जाए करे इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो 8 - 3 इज ग्रेटर देन 4x, ठीक है बेटा। ओके, 8 - 3 इज 5, सो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आंसर आ गया है दैट एक्स इज लेस देन 5/4, दैट इज द आंसर। नाउ इनवर्स मांग रहा है, इनवर्स के लिए चार स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो हम हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो है 4 2 8, ये इसको हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं अंदर, तो हो जाएगा 8 - 4x, ठीक है हो रहा, याद आ गया। तो हम लिख देंगे वाई इज इक्वल टू 8 - 4x। नाउ द सेकेंड स्टेप इज मेक एक्स द सब्जेक्ट, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये y -8 हो जाएगा, और -4 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू x। जी बेटा, हाँ सर इट इज यस बेटा, फ्लिप करने की फ्लिप नहीं किया है मैंने, आप जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लिप नहीं है, यहाँ पे भी देखो x लेस ही था, यहाँ पे भी x लेस ही है, ये मैंने फ्लिप नहीं किया है, ठीक है, ये फ्लिप नहीं किया है मैंने, खाली अरेंजमेंट ठीक किया है। ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं छोड़ते हैं, तो इसको जरा चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा -y + 8 / 4। अब हो गया ये ठीक सब्जेक्ट मेकिंग, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है बेटा, रिप्लेस करो एक्स को वाई के साथ, तो ये हो जाएगा -x + 8 / 4 = y, एंड दिस इज माई आंसर, ये मेरा इनवर्स हो गया। ओके, आई होप इट्स इजी, फंक्शंस तो काफी इजी होते हैं। 5 नंबर ये हो गए, कहता है एफ पी इज इक्वल टू g2p + 1, तो पहले एफ में पी पुट करते हैं, एफ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 8 - 4x, तो पहले मैं ये आपके साथ, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि एफ पी ये बराबर होगा, ये बराबर होगा 8 - 4p के, 8 - 4p एक्स की जगह पे पुट किया। अब जी 2p + 1 बराबर होगा, जी के फंक्शन में एक्स की जगह पे 2p + 1 पुट करना है, तो देख लें जरा वहां पे लिखा हुआ है 7 - 3x / 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 - 3x की जगह पे लिखेंगे 2p + 1 / 5, ये ऊपर लिखा हुआ है देख लें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 7 - 3x / 5। ओके, अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे 1 है तो फ्रैक्शंस सिंप्लीफाई तब होती हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया आपका, 7 5 = 35, -32 = -6p, +-3। ओके, 35 - 3 = 32, -6p / 5। नाउ वी हैव टू पुट बोथ ऑफ देम इक्वल, हम दोनों को इक्वल पुट करना है, एक ये है और एक हमारे पास ये है, इक्वल पुट करना है, सो इट वुड बी 8 - 4p, इट इज इक्वल टू 32 - 6p / 5, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 5, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 8 = 40, -5 4 = 20, 20p इज इक्वल टू 32 - 6p। अब पी पी को इकट्ठा कर लें, तो बड़े वाले को उधर ले जाएंगे, बड़े वाला पॉजिटिव हो जाए, तो 40 - 32 = 20p - 6p, 40 - 32 = 8, एंड 20 - 6 = 14p, सो डिवाइड बाय 14 ऑन बोथ साइड्स, तो 14 एंड 14 कैंसिल, सो पी इज इक्वल टू 8/14, तो 8/14 इज व्हाट, सिंप्लीफाई होता है ना ये, ये होता है 4/7, सो आई गॉट द आंसर 4/7। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, व्हिच वन सर? ये 8 - 4p सर आपने कहाँ से लिया सर? सर ये सर प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, ये देखो ये एफ पी इज इक्वल टू ये है ना, पहले मैंने एफ पी की वैल्यू निकाली है कि एफ ये पी है ऊपर क्या चीज, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है, उसमें मैंने पी पुट किया, फिर जी 2p + 1 की वैल्यू निकाली है, तो जी पी 2p + 1 में मतलब जी के फंक्शन में एक्स की जगह पे 2p + 1 पुट किया है और उसको सिंप्लीफाई किया है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे बोथ आर इक्वल, राइट बरीरा? ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 8 = 40, -5 4 = 20p, इज दिस क्लियर? तो ये दोनों बराबर हो गए, यस और नो? अब पी को सब्जेक्ट करना है, तो मैं 20 को यहाँ पर ले गया हूँ और 32 को यहाँ पे ले आया हूँ, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास सर
आंसर आ गया है 4 out of 7। जी बेटा अब क्वेश्चन पूछ लें। सर समझ आ गई है। ओके चलें दैट्स गुड। तो ये था फंक्शन। ओके ये देख लें, ये आसान क्वेश्चन है। हुरेरा यस सर। बेटा रीड करो क्वेश्चन नंबर 7। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एफ जी एच डी सी एफ इज इक्वल टू ई एफ सी इज इक्वल टू 24 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। वी डोंट नो दैट दिस इज हाउ मच साइडेड, तो हमें साइड्स के बारे में थोड़ा सा इसके अंदर इल्म होना चाहिए कि हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, पहले दो फॉर्मूले हमें इन दोनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। पहला होता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हुरारा? एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 होता है ना टोटल, यस और यस नो? और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दिस डिवाइड बाय एन। ओके तो 360 डिवाइड बाय एन, दिस नहीं, एक्सटीरियर एंगल। दो फॉर्मूले हैं बेटा, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, दो फॉर्मूले आने चाहिए, क्लियर है? ओके नाउ लुक एट दैट, ये कह रहा है कि डी सी एफ और ई सी एफ आपस में बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं। तो एवरीबॉडी प्लीज लुक एट द क्वेश्चन, जरा ये जरा नोट करें कि एक दो तीन चार, इज दिस अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट? Is this a quadrilateral or not? Four sided figure or not? Yes or no? बेटा से yes or no? क्या ये quadrilateral बन गया जो मैंने shade कर दिया? Yes sir. I have two angles 24 and 24. एक एंगल ये है D और एक एंगल E है, ये हमें नहीं पता। हमें पता है 360 में से माइनस करें तो मिल जाएंगे, यस और नो? 360 माइनस 24 माइनस 24, 24 माइनस 24 करेंगे जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इधर चेक करते हैं, तो 360 माइनस 24 माइनस 24 इट इज 3 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ 312 डिवाइड बाय 2 इज 156। सो उरारा कैन आई से दैट इंटीरियर एंगल इज 156? यस सर। हो रहा बेटा इंटीरियर एंगल 156 हो गया कि नहीं? जी सर। अंदर बन गया ना। एक्सटीरियर एंगल आपको पता है ना कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इट इज इक्वल्स टू 180, यस और नो? रिमेंबर दैट? यस सर। तो एक्सटीरियर निकालने के लिए 180 में से 156 को माइनस कर लें, तो 180 माइनस आंसर, सो इट्स 24, एक्सटीरियर एंगल आ गया 24। तो आप एक्सटीरियर एंगल को बस सिंपली एक्सटीरियर एंगल के फॉर्मूले में पुट करेंगे, आसानी से निकल आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 24 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एन। सो एन वहां पे जाएगा और 24 यहां पर आ जाएगा, सो एन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 24। सो 360 डिवाइड बाय 24 मतलब आंसर मैंने पुट किया हुआ था, तो एन इज इक्वल टू 15 साइडेड पॉलीगॉन है। ये कितना साइडेड है बेटा? 15 साइडेड पॉलीगॉन है। ओके नाउ दे से दैट फाइंड एच एफ जी, एच एफ एंड जी। तो एच एफ जी हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? उरेरा बेटा कह रहा है एंगल एच एफ जी फाइंड करो, तो एच एफ को पहले कनेक्ट करो। एच एफ कनेक्ट हो गया, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, यस और नो? डोंट यू थिंक दैट इट्स अ ट्राइंगल? उरेरा बेटा से यस। यस सो जस्ट नेम देम, थोड़ा सा उधर ओपन करके बनाया है ताकि जरा समझ आ जाए। एच एंड जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, एंड वी नो दैट एंगल जी इज 156 बिकॉज इट इज इंटीरियर एंगल, सो दैट्स वेरी कॉमन सेंस दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। डू यू एग्री विद मी और नॉट? डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर यही होता है ना, दो एंगल बराबर होते हैं ना, यस और नो? सो लेट्स फाइंड आउट। सो 180 माइनस 156, 180 माइनस 156 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 24।
Now 24 divided by 2 is the angle which is 12 degree. समझ आ गई बेटा सबको? बरीरा समझ आई है? ओके चलने जी आगे चलते हैं. ये भी छोड़ देते हैं, थोड़े डिस्कशंस वाले हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं जो जल्दी जल्दी होते हैं. एच इज द पॉइंट कैलकुलेट द. जी जी बोलें. जी जी सर, ये जो क्वेश्चन 7A का जो पार्ट 1 है तो उसमें वी कैन माइनस 180 माइनस 24 तो उसमें 156 आ रहा है, वो भी कर सकते हैं. नहीं नहीं 180 माइनस 120 वो आपके पास बेटा याद रखें, ये जो आपने ये तरीका आपने बोल दिया ना कि 180 माइनस 24 करें तो हमारे पास 156 आ रहा है, बेटा ये एक्सीडेंटली आ सकता है आपके पास, लेकिन इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. समझ आइए, समझ आइए आपके पास, आपको समझ आ गई? आप इसमें ये कर सकते हैं, आप इसमें ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का स्ट्रेट एक ट्राइंगल बना लो और फिर 90 हो जाएगा, फिर 90 में से 24 माइनस करो, फिर ऊपर 90 के साथ ऐड करो. देखो जैसे इसमें एक दूसरी केस ही हो सकता है, ताहा पे अटेंशन, कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता, ठीक है, ये 90 होता, दैट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है, ये 90 एक ट्राइंगल बना लेता, ठीक है, तो ये 24 होता तो ये एंगल मैं निकाल सकता था. एग्री? तो 90 माइनस 24 इज व्हाट? 90 माइनस 24 इज 66. हमें पता है कि यहाँ पे बाहर भी 90 बनेगा, तो 90 प्लस 66 इज अगेन 156. ठीक है, तो इसका मतलब है आप ये भी मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर सकते थे. क्लियर है बेटा? क्लियर है? चले देखें और कौन से आसान आसान सवाल है. वेक्टर सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर्स को अटेम्प्ट करें. आपने पेपर में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे आते हैं. ओके, इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है, तो ये कहता है द डायग्राम शोज अ पैरेललोग्राम OBCE एंड O टू A इज इक्वल्स टू P एंड O टू E इज इक्वल्स टू Q, सो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि B टू C इज आल्सो Q. ओके, AD इज पैरेलल टू OE एंड O टू A रेशियो A टू B इज 1:3. देखें जरा बेटा, O टू A रेशियो A टू B, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन में जरा बाहर बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, तो ये हो गया O, दैट पॉइंट इज A, दैट पॉइंट इज B. कहता है O टू A 1:3 है, तो इट इज टोटल 4 पार्ट्स, ठीक है, तो इट इज 1/4 एंड इट इज 3/4. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Okay, now you can see that 1 out of 4 is equals to A, so 3 out of 4 is equals to what? It would be 3A, what we have to check. Hum log check karke concept bhi dekh sakte hain. A is equals to 1 out of 4. So X is equals to 3 out of 4. Hume X find karna hai, to cross multiply karein. So ye ho jayega 1 out of 4 X is equals to 3 out of 4 A. To 1 out of 4 udhar jata hai, to flip ho jayega. So X is equals to 3 out of 4 A multiply by 4 by 1. To 4 and 4 cancel. To 3A answer aa raha hai hamare paas. So that is 3A. So that's very common sense that this is P and that is also 3A क्योंकि ये हमारे पास parallelogram है. Clear है बेटा? Now they say find O to C. तो O to C जाने के लिए I need a way. So O to C is O to E plus E to C. O to E is Q and E to C is 4P. It is 4P. ये मैंने A लिख दिया गलती से. It's 4P. ये P है, ठीक है बेटा, so that is Q plus 4P. समझ आ गई बेटा? Yes or no? Now look at the second part. अब जरा second part की तरफ देख लें, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा X is the point on BC such that B to X ratio X to C. B to X ratio X to C is 3:2. ये 3:2 है. इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो इट इज 3/5 एंड दैट इज 2/5. यस और नो? नाउ दे वांट अस टू फाइंड आउट एक्स टू सी, सो इट इज 3/5 क्यू एंड दैट इज 2/5 क्यू. सो हमें फाइंड आउट करना है ए एक्स, तो हमें ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए ए से एक्स तक जाना है, तो वी नीड अ वे, सो व्हिच इज इक्वल्स टू ए टू बी प्लस बी टू एक्स. सो ए टू बी इज 3p plus b to x is 3/5 q. That is the answer. Easy everybody? Yes or no? बेटा कोई question है तो पूछ लें.
okay, e to x, now e to x is equals to e to c plus c to x. कहाँ समझ आ रही है बेटा? e to c is 4p yes, and c to x is minus 2 by 5q. Is this clear? Now we cannot add them. हम इनको add नहीं कर सकते, तो we have to write the same as it is. हमने ये same as it is लिखना पड़ेगा क्योंकि add नहीं हो सकते ना ये दोनों. 4p minus 2 by 5q. So this is for 2 marks. Easy? So this was all about the vectors. अब हो गया paper हमारा end तक खत्म. Okay नहीं, trigonometry रह गई है. कहता है कैलकुलेट एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी आपने फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू चेक कि साइन रूल को साइन रूल लगता है कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 9 है ये, तो चेक करते हैं जरा. साइन बी डिवाइड बाय 6.4 इज इक्वल्स टू साइन 79 डिवाइड बाय 9.5. बिल्कुल लग रहा है जी. तो 6.4 वहां पे ले जाए. साइन 79 डिवाइड बाय 9.5 मल्टीप्लाई बाय 6.4, तो ये इनवर्स लेंगे इसका. तो b is equals to sine inverse of the bracket. तो ये ब्रैकेट में सब कुछ लिखना है. तो shift and sine inverse, fraction sine 79, sine 79 bracket close divide by 9.5 multiply by 6.4 bracket closed. So the answer is 41.4. One decimal point तक angle को लिखते हैं. Calculate the area. हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है 41.4. तो थर्ड एंगल खुद ही निकाल लेते हैं. तो 180 माइनस 41.4 माइनस 79, थर्ड एंगल इज 59.6. तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन इंक्लूडेड इज द एरिया. सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 9.5 मल्टीप्लाई बाय 59.6. So 0.5 multiply by 6.4 multiply by 9.5 multiply by 59.6. So the answer is, no, it's sine 59.6. ये गलत हो गया मुझसे. ये sine 59.6 है. तो ये हमने ये यहाँ पे sine लगाना है. Sine 59.6. तो answer is 26.22. तो 3 significant figure तक लिख लें 26.2. अभी कोई degree मिग्री नहीं है, ये area है, तो unit examiner ने खुद लगाया हुआ है. ठीक है बेटा, is this clear? Any question? बहुत आसान question था ये. अब जरा देखें, अच्छा समझाने के साथ साथ हमने कितने marks attend किए हैं जरा check करें. जरा अभी खाली 40 minutes हुए हैं class को, बल्कि 50 minutes हुए हैं. जरा check करें हमने कितने marks ले लिए. 3 + 2 + 2 कितने हो गए? 5 + 7 11. 11 plus 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63 marks का पेपर हम लोग अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं 50 मिनट्स में, जिसमें मैं आपको समझा भी रहा था. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलें जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. बस ये अभी आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग स्किप करेंगे. बीडीसी, बीडीसी हमने फाइंड आउट करना है, तो बीडीसी पहले शेड करना जरूरी है. बी डी एंड सी. ओके, तो हमें बीडीसी एंगल जो है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये ट्राइंगल आउट करेंगे और कोसाइन रूल लग जाएगा. देखिए तीन साइड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो डी बी एंड सी 9.8 8.2 9.5. तो हमें ये एंगल निकालना है, तो स्मॉल डी के लिए हमें बनाना पड़ेगा. तो इट वुड बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू सी बी कॉस ऑफ टी. दैट इज द कोसाइन रूल. तो डी स्क्वायर इज 9.5 स्क्वायर. ऐसा करते हैं, कॉस डी को पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं, आसानी हो जाएगी जरा. तो डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस टू सी बी इज इक्वल टू कॉस टी. अब वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए. तो डी की वैल्यू है 9.5 स्क्वायर माइनस 9.8 स्क्वायर माइनस 8.2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 8.2 इज इक्वल टू कॉस टी. कैलकुलेटर में डाल लें,
और इनवर्स ले लेना। तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, शिफ्ट कॉस इनवर्स ब्रैकेट में मैं फ्रैक्शन 9.5 स्क्वायर माइनस 9.8 स्क्वायर, हमजा समझ आ रही है, -8.2 स्क्वायर डिवाइड बाय -2 यस ब्रैकेट सर 9.8 ब्रैकेट 8.2 ब्रैकेट क्लोज, इधर लेकर आए ब्रैकेट क्लोज कर दें, इक्वल दबा दें। सो आई गॉट द आंसर 62.9, तो आई विल राइट 63.01 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है इसको। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम सी। डी फ्रॉम सी, तो सी से आप सी पे खड़े हैं तो आपने डी को देखना है, तो दैट इज द एंगल, ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ओके, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को आप बाहर निकाल लें, ये डी है बेटा, दैट पॉइंट इज ए, दैट पॉइंट इज सी, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, दिस इज 8.2 एंड दिस इज 6.4 एंड दैट इज 90, सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, एंगल सी आपने फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको नाम देने होते हैं, तो ये हाइपोटेनियस है, साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर एंड दैट इज बेस। तो हाइपोटेनस एंड बेस इज इन द कॉस थीटा, कैसे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो हाइपोटेनस एंड बेस इज इन कॉस थीटा, सो कॉस सी इज इक्वल्स टू बेस इज 6.4 एंड हाइपोटेनस इज 8.2, इनवर्स लेना जरूरी है, तो शिफ्ट एंड कॉस इनवर्स फ्रैक्शन 6.4 डिवाइड बाय 8.2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स, सो 38.7 लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक। तो देखें 66 + 5 = 71 मार्क्स का पेपर जो है हम लोग लेस देन 1 आवर जो है हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, और जिसमें मैं आपको समझा भी रहा था। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? तो ये लास्ट पार्ट में आप जी बेटा जरा दोबारा लास्ट बोलो। पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर ओके बेटा, लास्ट पार्ट कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक मिनट, कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम सी, तो इसका मतलब है कि सी पे खड़े हो जाएं आप और डी को देखें, तो इसका मतलब है कि आपको ये ब्लैक एंगल फाइंड आउट करना है, इज दिस क्लियर? आप सी पे खड़ी हैं, अपना हेड अप करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कि नहीं, जी, यस और नो? यस सर, तो ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था, इसीलिए मैंने इस ट्राइंगल को साइड पे आउट किया है, इज दिस क्लियर? यस, चलें जी, बस आज के लिए इतना काफी है, 70 मार्क्स का पेपर हो चुका है, खाली 28 29 मार्क्स के क्वेश्चंस रह चुके हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आप लोग जा सकते हैं, सिवाय कुछ स्टूडेंट्स के मैं उनको रोक रहा हूँ, प्लीज आयान यू हैव टू स्टे, बरिया यू कैन लीव द क्लास, ताहा यू कैन लीव द क्लास, जी ओ थ्री कैसे?